स्टोरेज एरिया। पता नहीं क्या हो गया शिबू को, कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। अरे बिंदेश्वरी जी, खामखा चिंता कर रही है, मोबाइल का नेटवर्क कई जगह नहीं लगता है। हमने सिमरन बहू के लिए हार बनवाया था, तो हम सोच रहे हैं कि जैसे ही वो आएगी तो हम उसे देंगे, खुश हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा है। चोखो है, उसने हमारे खानदान का नाम रोशन किया है, वो उसकी हकदार है। जा, जाकर ले आ। जी अम्मा साहब। लवली, लवली दरवाजा खोलो। मासा, मासा, मासा को सब बताना पड़ेगा। मासा। आएंगे ढेर सारे खिलौने लाएंगे। यस यस मम्मी पापा आएंगे, ढेर सारे खिलौने लाएंगे मम्मी पापा। अम्मा साहब, हमने उनके पसंद के सारा खाना बना लिया है। दरवाजा खोलो। लवली तुम कर क्या रही हो अंदर? लवली, लवली दरवाजा खोलो। लवली, लवली। जी मासा। क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? मासा वो मैं बाथरूम में थी, कुछ चाहिए आपको? हाँ वो हमें चाबियाँ चाहिए थी, वो हमने जो सिमरन बहू के लिए गले का हार बनवाया था, तो हम सोच रहे हैं कि आज वो आएगी तो उससे दे देंगे, खुश हो जाएगी। क्या बात है लवली? कुछ नहीं, वो बहुत खुश हो जाएंगी सिमरन भाई। तुम्हारी आंखों में पानी क्यों है? वो मासा मैं बाथरूम में थी तो साबुन चला गया। ठीक है, अपना ध्यान रखा करो। जी मासा, मैं आपको चाबी रख दी। नहीं नहीं नहीं, हमें चाबी देने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और अलमारी से निकाल लो, वो सबसे ऊपर लाल डिब्बे में रखा है, जल्दी से लेकर नीचे आ जाओ। अब मासा को कैसे बताऊं कि सिमरन भाभी वो हार कभी नहीं पहन पाई थी। गिलाफी रखेंगे, सिमरन को नीला रंग बहुत पसंद है ना, इसलिए। नहीं, ये पीले रंग के, शिबू को पीला रंग बहुत पसंद है। ओए होए, ऐ की मतलब है, हैं? सिमरन को तो ये वाले फूल पसंद है, गुलाब नहीं, मैं तो इसी फूल से ना सारा घर सजाऊंगी। हाँ और जी निमित देवी जी, और जी शिबू को ना सिर्फ गुलाब पसंद है, इसलिए शिबू और सिमरन के कमरे में सिर्फ और सिर्फ गुलाब ही रखे जाएंगे। हाँ अम्मासा, जब सिमरन बहू और शिबू आएंगे ना, आप देखना इन फूलों के साथ मैं उनका स्वागत करूंगी। हाँ हाँ जरूर कर लेना। मासा हार। अरे लवली, ले आई तुम हार, ला दो। अम्मासा ये देखिए, ये हार हमने सिमरन बहू के लिए बनवाया, जब वो उसे देखेगी ना सच में बहुत खुश हो जाएगी। लाइए ना मासा, हमें भी देखना है। अरे वाह मासा, सच में बहुत सुंदर है और सिमरन पे खूब जचेगा भी। लवली,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें कितना काम करना है, केक बनाना है, उसके बाद शिब्बू भैया और सिमरन भाभी का पूरा कमरा डेकोरेट करना है, बहुत सारा काम है, तुम मेरी हेल्प ही नहीं कर रही। माँ साहब मुझे लवली की थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मैं इसे ले जाऊँ? ठीक है ले जाओ। थैंक यू। आ जाओ। कहाँ चली गई थी तुम? अच्छा एक काम करो, इधर आओ। आज ना हम भैया और भाभी का फेवरेट केक बनाएंगे। क्या वो लवली आई? ओके, अब तक तुमने ढक्कन भी नहीं खोला है। एनीवेज तुम एक काम करो, ये मैं कर देता हूं, तुम इधर आ जाओ। ओके अच्छा सुनो, ये केक मैंने ओवन के अंदर डाल दिया है, 10 मिनट के बाद घंटी बजेगी, अगर मैं यहां पर ना हूं तो प्लीज इसे निकाल देना, मुझे फूल वाले को फोन करना है, उसने फूल नहीं भिजवाया अभी तक। ओके तुम्हारा पता नहीं ध्यान कहाँ है, तुम इस साइड आ जाओ। खुशबू तो बहुत अच्छी है, आई एम श्योर ये केक सिमरन भाभी को बहुत पसंद आएगा। एक काम करते हैं, इस केक पर आइसिंग कर देते हैं, फिर ये काम खत्म। लेकिन लवली नाम मुझसे नहीं लिखा जाएगा, मैं टेढ़ा मेढ़ा लिख दूंगा, तुम लिख दो ना, वेलकम शिब्बू भैया एंड सिमरन भाभी। ओके बात है, तुम ठीक हो ना? कार्तिक मैं अभी आती हूं। पता नहीं आज लवली का ध्यान का है, कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रही है। काम करती रहे, लेकिन इसके लिए तुझे उसे मनाना होगा। नमस्कार, मैं नेहा जी ने उसे, आज की ताजा खबर यह है कि पुलिस ऑफिसर सिमरन कौशिक ने जिस बहादुरी के साथ नक्सलियों का सामना किया, उसने पुलिस महकमे के साथ तमाम महिलाओं का सर भी फक्र से ऊंचा कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना वो नक्सलियों से जूझती रही, मम्मा, मम्मी, लड़ती रही और शहीद हो गई। मेरी मम्मा टीवी पे है, मैं सबको बताकर आया। दादीशा, 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 जल्दी चलो, मम्मा टीवी पे आ रही है। आती भाभी, क्या हुआ? अरे लवली, अच्छा हुआ जो तुझे ही मिल गई, मैं तारे घर ही आ रही थी। हाँ बड़ी ताई जी, सुनो ना। आए क्या बात है, बोलो। मम्मी ना, तेरी मम्मी ना, अनु, भाभी आप जाकर सब्जी देखिए,
अनु का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है लवली। लवली चाची क्यों नहीं बताने दिया कि मम्मा टीवी पे आ रही है? अनु दीपा जरा। लवली चाची देखो मेरी मम्मा टीवी में आ रही है। सलियों से जूझती रही, लड़ती रही। बंद क्यों किया टीवी? अनु वो हम बाद में देखेंगे। मैं सबको जाकर बुला कर लाती हूँ, सबको सरप्राइज देंगे। हाँ ठीक है। अनु तुम जाकर लकी के साथ खेलो और किसी से कुछ भी मत कहना, सरप्राइज देना है ना। चलिए रसोई में चलकर देखते हैं, सब तैयार है ना? चलो। सब चोखो है। चलो सब तैयारियां हो गई, हम लोग भी तैयार हो जाते हैं ना सर? दोनों की आने की देर बस। चलिए चलो। अरे लवली कहाँ चली गई? सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता, लेकिन एक बार भैया और भाभी को ये पसंद आ गया ना तो मेरी सारी मेहनत वसूल, एंड आई एम श्योर पसंद आएगा। लवली कहाँ चली गई थी तुम? कार्तिक को मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ लवली जरूरी काम तो होते रहेंगे, पहले ये बताओ ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कार्तिक बेटा सब अच्छे से हो गया ना? हाँ मासा देखिए ना कैसा लग रहा है। कार्तिक ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको इधर करो। ये ठीक है? हाँ बस ठीक है। हाँ बोलो तुम क्या बोल रही थी? अच्छा सुनो कार्तिक बेटा, जरा थोड़े से फूल इधर भी लगा देना, अच्छा लगेगा। हाँ माता। भी अभी यहाँ आना था। आरती को रोकना होगा, अगर इसने कुछ बोल दिया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मासा आरती को मैं देखती हूँ। आरती भाभी क्या हुआ? अरे लवली अच्छा वो जो तुझे ही मिल गई, मैं तारे घर ही आ रही थी। हाँ तुम रो क्यों रही हो? लवली तारे पास तो पेपर है।
कसरत नहीं मारे को? भाभी वो हमारे घर पे भी ना आज आधा पेपर आया। हाय हाय, थारे को भी आधा पेपर दियो? चलो कोई बात ना है, मोहल्ले में घर कम ना है, किसी और के घर जाके ले लूंगी। अरे पूरी के घर जाती हूँ, चल है। अरे इतना अच्छा सजावट किस खुशी में का किसा है? सिमरन और शिवेंदु भाई सा तो घर वापस ना आ रहे हैं। अरे कार्तिक भाई सा, ऊंट की कसम एकदम टकाटक सजावट की है। हाँ। ओह थैंक यू, अच्छा लग रहा है ना। अरे काकी सा, सिमरन और शिवेंदु भाई सा जब घर आए ना तो मारे को सबसे पहले बुलाना। हाँ, और इस पेपर वाले को पहले पकड़वा दूंगी। चलो चलती हूँ। कार्तिक, मैंने शिवू भैया के रूम में लैंप्स और फूल रख दिए, प्लीज उनका कनेक्शन कर दो। हाँ मैं कर लूंगा, डोंट वरी। अब लवली चलो, पूरा कमरा सजाना है। हे भगवान, मैं कब तक छुपाती रहूंगी? मुझे मुझे ये बात करनी पड़ेगी। भाभी और शिबू भैया इतने दिन बाद घर आ रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। देखना, इतने टाइम के बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ होगा, बहुत मजा आएगा। ओ हेलो, वहां मिस इंडिया की तरह ऐसे पोज क्या मार रही हो? आके मेरी मदद करो, बहुत काम है। क्या कर रही हो? कोई देख लेगा? ये कमरा हमने भैया और भाभी के लिए सजाया, हमारे लिए नहीं। जी? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ मुझे, बोलो। ऐसा नहीं हो सकता लवली, भाभी बिल्कुल ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है। और ये न्यूज़पेपर वाले ना कुछ भी चाहते रहते हैं। भैया को आने दो, इन सबको अंदर करवा दूंगा मैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं भैया को फोन करता हूं। ऐसा नहीं हो सकता, भाभी बिल्कुल ठीक है। कार्तिक, ये खबर झूठी नहीं, ये सच। लवली तुम पागल हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूँ भाभी बिल्कुल ठीक है, वो बहुत जल्दी घर पर आ जाएगी। ये अखबार वालों की बातों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं कह रहा हूँ लवली, अगर ऐसी कोई बात होती तो पुलिस स्टेशन से हमें फोन आता।
चले गए? शिवेंदु सर जयपुर के लिए निकल चुके हैं। आ...